नमस्कार, न्यूज नेटवर्क इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देहात में क्या होगा एमसीडी चुनाव को एक दौरान मुद्दा, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बात की बीजेपी नेता हरेंद्र सिंगल और आप पार्टी संजय राठी और कांग्रेस नेता इंद्रावती से। आइए जानते हैं क्या क्या कहना है इन तीनों का एमसीडी चुनाव को लेकर। देहात की बात करें या दिल्ली की बात करें, चुनाव के लिए बोलने के लिए सारी जनता के पास ही सवाल है। मैं इंद्रावती सिंह नजफगढ़ महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ। हर जगह मैं जाती हूँ, सारे गांवों में जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ जो है नालियों की सफाई नहीं है, कहीं जो है पार्क अच्छे नहीं है, कहीं स्कूलों की व्यवस्था, लोग कहते तो है कि मीडिया में है कि हमने नया कुछ किया है, नया नहीं दिखता है। तो एमसीडी ने किया क्या है? कूड़ों का अंबार भरा पड़ा है, जब बारिश में निकलने का रास्ता नहीं बचता है, सड़कें टूटी हुई है। तो इन सब को देखते हुए इस बार जनता ही कांग्रेस को लाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस दिल्ली को बनाई है और कांग्रेस में ही दम है जो इस दिल्ली को चला सके। क्योंकि ये जितने भी है बरसाती मेंढक है, गलत गलत मुद्दों को लोगों को भ्रम में फैला करके आते हैं, लेकिन इनके पास काम करने की ना कोई क्षमता है, ना इनके पास कोई नॉलेज है। सिर्फ ये भाषणबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और जनता को छलावा में रख करके उनको अंधेरे में डालते हैं। इस चुनावी मुद्दा एमसीडी के पास, चुनाव में हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आज जो एमसीडी को दुर्दशा है उसका कारण केजरीवाल है। कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल पा रहा, ग्रेच्युटी रिक्त हुई है, पेंशनर्स को दिक्कत है, जो कोरोना के योद्धा हैं हमारे सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको भी समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही। और केजरीवाल निर्लज होकर सारा देख रहा है। शराब के ठेके खुलवाना इसे याद रहा, दिल्ली का विकास छोड़कर सारे देश में घूमना इसको याद है, और पोल्यूशन के कारण से दिल्ली की जनता त्रस्त त्रस्त कर रही है। सारी हवा जहरीली हो गई और नजफगढ़ के अंदर यहाँ पर हर एक मिनट में 5 बसें जाती हैं, किलोमीटर स्कीम की बसों के कारण से जाम लगा रहता है सारे दिन। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। टर्मिनल बनाया, छोटा टर्मिनल बनाया और उसके बाद कमीशन के चलते और चीज़ों के चलते किलोमीटर स्कीम की जो बसें चला रहे हैं, जिससे कि सारे टैक्स का पैसा जाया जा रहा है, किसी बस में 5-6 से ज़्यादा लोग नहीं होते। और एक मेरा नाम संजय राठी है, मैं आम आदमी पार्टी का नजफगढ़ वार्ड नंबर 127 से कार्यकर्ता हूं। और अब की बात नजफगढ़ क्षेत्र के अंदर जो देहात का क्षेत्र है उसमें जो चुनावी मुद्दा रहेगा वो बीजेपी द्वारा जो पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया गया है, दिल्ली में 3 बड़े बड़े पहाड़ बना दिए गए हैं और हर तरफ जो है एक कूड़े का अंबार लगा है, ये मुद्दा रहेगा। साथ में जो भ्रष्टाचार है, जो 15 साल के अंदर पूरी बीजेपी ने एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं हो रहा, और काम तो दूर की बात, काम के पैसे जो है बिना कुछ किए ही खाए जाने हैं। तो आपने सुना इन तीनों नेताओं की क्या राय थी एमसीडी चुनाव को लेकर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं ऐसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।